गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ओके, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि कब और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, कब उसे इम्प्लीमेंट किया गया. विच आई टोल्ड यू इन 26 नवंबर 1949 इट वॉज कम्प्लीटेड, बट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950. ओके, देन एक्सेप्टेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ से कुछ एक्सेप्टेशंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो क्या चाहते थे कि वाई यू नो इट्स लेजिटिमेसी एक्सेप्टेड जो थी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. सोशल ग्रुप्स, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, सब उसे एक्सेप्ट कर रहे थे. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. दैट टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स वर ऑल द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, जैसे कि कुछ नॉर्थ इंडिया के थे, वेस्ट इंडिया के थे. वी गेट गॉट लीडर्स फ्रॉम एवरी एरियाज. सो कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया. ठीक है, एंड प्रोसेस्ड बाय विच इंडियन इंडिया मेड. कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेजिटिमेसी थी उसको ड्राफ्ट किया गया. जो असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, हु वॉज द लॉयर, भीमराव अंबेडकर, जो कि एक लॉयर थे. तो उन्हें भी इसका मेंबर बनाया गया. ड्राफ्टिंग डिबेट्स टिल 144 डेज तक जो है इसके ऊपर डिबेट किया गया. 2000 अमेंडमेंट्स किए गए. ठीक है, 2000 अमेंडमेंट्स किए गए. अमेंडमेंट मीन्स करेक्शन. ओके, चेंजेस. रेशनल भी जो है यहाँ पे जो है रीजंस देखे गए थे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो बहुत सारा डिबेट एंड डिबेट डिस्कशंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बीन मेड, व्हाट वर द गाइडिंग वैल्यूज बिहाइंड इट टू फ्रेम इट, उसको बनाने के लिए. सो व्हाट इज़ द आइडियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, किस सोच के बेस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया. सो द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस. ओके, देर वर सम ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस. महात्मा गांधी जो थे, ही रिफ्लेक्टेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. हिज आइडियाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. गांधीज़म जो थी, हिज सोशल जो अपलिफ्टमेंट थी. एंड सेकेंड वी कैन से अबाउट द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, यू कैन सी हियर, ये देखिए पूरा इट हैज़ रिटन. यू जस्ट रीड इट व्हेन यू विल गेट टाइम, यू हैव टू रीड इट. ओके, एंड सेकेंड पर्सन जो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी के अपोजिट थे, बट डिफरेंट आइडिया बेस्ड ऑन एम्पावरमेंट, आइडिया फॉर एनलाइटमेंट, यू नो एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे उन्होंने आइडियाज़ भी दिए थे. मैनी मोर लीडर्स आइडियाज़ रिफ्लेक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रिफ्लेक्शन इन द प्रैम्बल. ठीक है, हम इन सब में प्रैम्बल में इनका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, गांधी जी का, बी आर अम्बेडकर जी का, और बहुत सारे जो लीडर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे. क्लियर. सो नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो थ्रू द प्रैम्बल वी विल अंडरस्टैंड द वैल्यूज. सो ऑल दीज दोज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रैम्बल. सो फर्स्टली वी नीड टू नो वॉट इज प्रैम्बल. प्रैम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, प्रैम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्टरी यू नो एक इंट्रोडक्टरी हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है बेसिक वैल्यूज का. सो यू नीड टू रीड दिस. या सो प्रैम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. मीन्स प्रैम्बल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट वर्क्स लाइक एन आइडेंटिटी. ठीक है, प्रैम्बल पेज नंबर 50, इट इज़ इन येलो बॉक्स, यू कैन सी हियर. सो इन शॉर्ट इट इज रिटन हियर. फर्स्ट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया,
इसमें क्या बताया गया है कि इट टेल्स अस द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल, इट क्रिएटेड फॉर आर कंट्री. ओके, एंड सेकेंड इज सोवर्जियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, तो सोवर्जियन क्या है, एक फ्री, इट मींस फ्री व्हेन वी टॉक टेक अ डिसीजन बाय ओन लाइक आवर चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर टेक द take it can make you know their own decisions, free to take its internal and external design, make law rules. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इट शोज द फ्रीडम, सवर्जन शोज द फ्रीडम. ओके, सेकेंड इज सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या है, ऑल द रिलीजन ट्रीटेड इक्वली, दैट मेक्स अवर कंट्री सिक्योलर. ओके, दिस इज द वैल्यू रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रैम्बल. तो यहाँ पे हम प्रैम्बल के थ्रू से ये देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सिक्योलर, सिक्योलर क्या है, से ऑल द रिलीजन ट्रीटेड इक्वली दैट मेक्स आर कंट्री, दिस इज द वैल्यू. ठीक है, एंड सॉरी सोशलिस्ट में आपको मैं बताती हूँ कि सोशलिस्ट मींस क्या होता है कि वी यू नो वेल्थ शुड बी स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. सिक्योलर मैं बता चुकी हूँ कि ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, जो भी आपका वैल्यूज़ हैं रिफ्लेक्ट करता है थ्रू द प्रैम्बल. एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में आपका आ जाता है, इन आर कंट्री देर इज़ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वट एवर ही इज़ हैपनिंग इन आर कंट्री इट इज़ थ्रू द डेमोक्रेटिक वे, इट इज़ द समरी ऑफ द आर्टिकल, लोगों के राइट्स जो हैं इसमें. नेक्स्ट इज रिपब्लिक, रिपब्लिक में हम बात करेंगे मींस द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कंट्री, इट शुड बी इलेक्टेड पर्सन लाइक हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होते हैं. ठीक है, तो ये रिपब्लिक हो गया क्योंकि इनको भी चूज करने वाले थ्रू द सिटीजन्स ओनली, दे ऑल्सो हैव सेलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, सो नेक्स्ट जस्टिस आई विल एक्सप्लेन in the next video.